और आप देख रहे हैं पल पल। सरसों की खरीद को लेकर के किसान परेशान। सरकार ने नए नए आदेशों के चलते किसानों को सरसों बेचने में आ रही है दिक्कत। नमी के नाम पर खरीद की जा रही है टाल मटोल। नमी की वजह से किसानों को नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य। सरकार ने 4200 रुपये प्रति क्विंटल सरसों का समर्थन मूल्य किया है निर्धारित। वहीं रजिस्ट्रेशन नए करने वाले किसानों से नहीं खरीदी जा रही है सरसों। बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसानों के लिए सरकार ने नहीं की कोई वैकल्पिक व्यवस्था। करीब 30% तक किसान अभी तक नहीं करवा पाए रजिस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सिरसा की अनाज मंडी में 28 मार्च को सरसों की खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन अनाज मंडी में अपनी सरसों की फसल बेचने वाले किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के नए नए आदेशों के चलते किसानों को अपनी सरसों की फसल बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। खरीद के समय में नमी का नाम लेकर के किसानों से टाल मटोल की जा रही है। वहीं नमी के कारण किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है और इसी रोष के चलते आज किसानों ने सिरसा के अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। सरसों की सरकारी खरीद पिछले साल किसानों के बहुत बड़े आंदोलन के बाद शुरू की गई थी और उस आंदोलन के बाद हमने ये माना था कि अब गेहूँ की तरह सरसों की सरकारी खरीद होगी, लेकिन किसानों के संघर्ष के बावजूद भी इस सरकार ने इसके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दी कि ये गेहूँ सरसों ना होके ऐसे लग रहा है कि अफीम की खेती किसान ने करी है जो टर्म एंड कंडीशन के साथ ही बेच सकता है। इसमें ऑनलाइन का जो सरकार का सिस्टम था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। पूरे हरियाणा में केवल 30% किसानों का ही ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है, बाकी 70% का पंजीकरण नहीं हुआ। तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करे कि ऑफलाइन जो किसान है उनसे भी गिरदावरी लेकर और उनकी फसल खरीदने का काम करे। दूसरी बड़ी दिक्कत आ रही है कि लिमिट लगा दी गई 25 क्विंटल प्रति एकड़ की, जो गलत है। यदि एक किसान के 40 क्विंटल हुई है और वो यहाँ लेके आता है तो 15 क्विंटल वो वापस लेके जाए। ये खेती जो है ऐसा प्रोडक्ट नहीं है भी किसान ने नकली दूध बना दिया या नकली यूरिया बना दिया। ये तो किसान के खेत में उपजी हुई फसल है, जितनी फसल होगी उतनी वो लेके आएगा और किसान की सारी फसल को सरकार को खरीदना चाहिए। ये इसमें दूसरी दिक्कत आ रही है। और जितना इसको सरकार ने मुश्किल बनाया है, किसान ही तैसी होती तो सरकार इसको गेहूं खरीद की तरह जितना सरल सिस्टम में बनाएगी। सारी आजकल ऑनलाइन गिरदावरी है, सरकार को पता है कितने एकड़ में सरसों भिजी हुई है, सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है प्रति एकड़ की पैदावार क्या है। तो उस हिसाब से किसान को बिना किसी कागजी जंजाल में फंसाए हुए इस सरसों की खरीद और नहीं होगी तो आज हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। और जल्द अगर ये खरीद आसान नहीं की गई तो इसके बाद मंडियों के गेटों पर भी ताले लगाए जाएंगे। बिना शर्त के सरसों खरीदी जाएगी, किसान के खेत में हुई हुई है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारी साइड प्रोडक्ट नहीं है, ये हम कहीं से बना के नहीं लाए, ये तो हमारे खेत में पैदा हुई है। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि किसान के खेत में पैदा हुई है। सारी गिरदावरी का रिकॉर्ड सरकार के पास है। सरकार बिना शर्त के जब भी किसान आए केवल ये देख सकती है कि वो सरसा जिला का रहने वाला है, बाकी उसकी सरसों खरीद को सरल पद्धति से जिस प्रकार गेहूँ की खरीद की पद्धति है उसी पद्धति से खरीदा जाए। ऑनलाइन फार्म है, इसमें भी दिक्कत आ रही है, तोड़ ही नहीं रहे ये, हम क्या करें, किसान को हैरान कर रहे हैं। बस कोई मतलब है नहीं, मतलब अनुशासन वाली गल है नहीं कोई, ये तो तंग कर रहे हैं। 25 मन किले की सरसों है, ये 6 क्विंटल खरीद रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या करें इस किसान, हम क्या करें। सरसों की परचेज 28 तारीख से शुरू हो गई थी जी, हमारे 2 खरीद केंद्र हैं चोपटा और सिरसा। सिरसा के अंदर हमारी 535 क्विंटल खरीद हुई है और चौपटा के अंदर 700 क्विंटल की खरीद हुई है। सर, किसानों को जब सरसों लेके आते हैं क्या 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 कंडीशंस है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म लेके आते हैं क्या क्या लाना पड़ता है? जमींदार कोई, वैसे ऑलरेडी सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है जी, जो रजिस्टर्ड फार्मर है उसको अपनी आईडी और एक बैंक की पासबुक लेके आनी होती है। लेकिन सर बहुत से ऐसे किसान है जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? उनके लिए देखो अब क्या करते हैं, फिलहाल तो अभी रजिस्टर्ड फार्मर है, हम उनकी परचेज कर रहे हैं। चोपटा में भी प्रदर्शन किया किसानों ने इस मुद्दे को लेकर, अब सिरसा में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको आप कैसे राहत प्रदान करेंगे? देखो हमारे इधर तो कोई प्रदर्शन हुआ नहीं है, जो भी जमींदार रजिस्टर्ड है वो हमारे पास लेके आ रहे हैं और हम उनका खरीद कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर, जो रजिस्ट्रेशन जो किसान है जी, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही? उनको दिक्कत केवल वो आ रही है कि उनके नमी के नाम पे उनके खेत में टाल मटोल किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हम टाल मटोल कर रहे हैं। नमी
सरकार ने पहले ही कह रखा है कि जमींदार अपना माल सुखा के लेके आए, अगर गलती से कोई नमी वाला आ जाता है तो वो लगभग अपना माल सुखा रहा है मंडी के अंदर, और सूखने के बाद हम उसका खरीद कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है? तो जो हमें आंकड़े मिले उनके हिसाब से करीबन ऐसे कि 30% किसान ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किसी वजह से नहीं हो पाया है। तो ऐसे जो ऑफलाइन किसान है उनकी जो दिक्कत है वो सरसों को लेकर आते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है, उनके लिए जो भी सरकार फैसला करेगी उसी हिसाब से होगा जी।